देश की राजधानी दिल्ली ठंड की भीषण चपेट में है, जहां 25 जनवरी का दिन सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया, वहीं सफदरजंग में अधिकतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 10 डिग्री कम है। हालांकि पिछले 9 सालों में जनवरी का सबसे ठंडा दिन भी रहा। पिछली बार जनवरी में न्यूनतम तापमान 3 जनवरी 2013 को 9.8 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से 60 डिग्री कम यानी 14.8 डिग्री सेल्सियस रहा था। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर कम नहीं हो रहा है। जनवरी महीने के खत्म होने में महज चंद दिन ही बचे हैं, लेकिन फिर भी ठिठुरन नहीं जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक ऐसी ही ठंड उत्तर भारत के कई राज्यों में पड़ती रहेगी। राजस्थान के जयपुर में बुधवार को न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आसमान साफ रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके अलावा लेह में 26 जनवरी को -14 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर सकता है, जबकि अधिकतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सुबह और शाम के समय यहां भी कोहरा छाया रहेगा। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। यहां भी कोहरे के छाए रहने के आसार हैं। वहीं आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि अगले 2 दिनों तक दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अन्य हिस्सों में भीषण ठंड जारी रहेगी। ऐसे में अगले 3-4 दिनों के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग अलग इलाकों में भीषण ठंड के दिनों के साथ कुछ हिस्सों में ठंडा दिन रहने वाला है। अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में कोल्ड से गंभीर कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कोल्ड डे हो सकता है। इस दौरान भीषण ठंड पड़ेगी। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ती रहेगी। इन राज्यों में भी मौसम विभाग ने कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने बताया है कि अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अलग अलग हिस्सों में रात और सुबह में बहुत घना कोहरा छाया रहेगा।